नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनमोल अग्रवाल और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर। तो दोस्तों, आज का जो लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं एनालिसिस ऑफ बक कन्वर्टर। इसमें हम लोग सारी वेवफॉर्म्स बनाएंगे, इंडक्टर करंट, आउटपुट वोल्टेज की और सोर्स करंट की, और सारी जितनी भी वेवफॉर्म्स हैं सारी बनाएंगे और हम लोग उनकी इक्वेशन निकालेंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो रेट, रिव्यू एंड रिकमेंड जरूर करिएगा और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं। हेलो अगेन फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे थे एनालिसिस ऑफ बक कन्वर्टर। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने बारे में कुछ बता दूं। मैं इस वक्त एमटेक कर रहा हूं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से, फ्रॉम एनआईटी त्रिची। गेट 2016 में मैंने 586 रैंक स्कोर करी थी। तो हम लोग बात करते हैं बक कन्वर्टर के एनालिसिस की। तो ये है दोस्तों हमारा फाइनल सर्किट, जो बक कन्वर्टर का फाइनल सर्किट है वो, जो मैं अगर मैं कंप्लीट नोटेशंस के साथ दिखाऊं तो मैं उसको ऐसे दिखाऊंगा। हालांकि मैंने आपको दिखाया था पिछले लेक्चर में भी आखिर में, लेकिन यहाँ मैंने सब कुछ दिखा दिया है इसमें। यहाँ मैंने एक IGBT स्विच का इस्तेमाल कर रखा है। आप MOSFET का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ज़्यादातर हम लोग IGBT इस्तेमाल करते हैं क्योंकि IGBT हम लोग को क्या मिलता है, हायर पावर लेवल पर मिल जाता है एज़ कम्पेयर टू द MOSFET, क्योंकि उसमें हम लोग को दोनों चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है, स्विचिंग भी हाई मिल जाती है और पावर लेवल भी हाई मिल जाता है एज़ कम्पेयर टू MOSFET। तो इसलिए हम लोग IGBT यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ दिखा रखा है। ये आपका स्विच करंट या फिर सोर्स करंट जो भी आप कहें, आपका इंडक्टर करंट या आपका लोड करंट, ठीक है दोस्तों, या आपका कैपेसिटर करंट। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज हो कैपेसिटर का वो VC, यहाँ मैंने नहीं दिखा रखा है, वो VC आप मान के चलिएगा। और ये आपका V0 जो लोड वोल्टेज है, VL आपका इंडक्टर वोल्टेज है। और यहाँ पे मैंने ये फिल्टर लगा दिया जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो जो आपका ये लोड है वो DC लोड है, तो आपकी DC पावर इधर फ्लो कर जाएगी और जो आपकी AC पावर है वो इधर बाईपास हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका सर्किट है पूरा। जनरली हम लोग कैपेसिटर की वैल्यू काफ़ी हाई रखते हैं, मैंने आपको बताया था, क्योंकि वोल्टेज रिबल्स को हम लोग कंट्रोल करना है, इसलिए यहाँ पर मैंने लिख रखा है हाई वैल्यू ऑफ सी। ये मैंने तीन नाम आपको बताए थे पिछले लेक्चर में, ये बिल्कुल सेम नाम है। ठीक है दोस्तों, जब आपका वी नॉट कम रहेगा VS से तो वोल्टेज बक, और आपका जब आउटपुट करंट आपका ज़्यादा रहेगा इनपुट करंट से तो करंट बूस्ट, और वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर। ये तीन नाम मैंने आपको बताए थे बक कन्वर्टर के। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसके एनालिसिस को। तो यहाँ आप देखिए कि मैंने आपको दिखाया था अभी कि आपका जो सोर्स करंट या आपका इंडक्टर करंट है, इसमें दो कंपोनेंट है, एक तो DC कंपोनेंट और एक AC कंपोनेंट। ठीक है दोस्तों, तो उसको हम लोग कैसे डिफाइन कर रहे हैं, इस तरीके से। जो आपका DC कंपोनेंट है वो हमारे लिए ज़रूरी है, वो आपके I0 के बराबर है जो आपका लोड में जा रहा है। और जो AC कंपोनेंट है वो आपका क्या है, हार्मोनिक कंपोनेंट मैं कहूँ या फिर मैं कहूँ उसको, आपका जो ΔIL था जैसे आपने चॉपर में जो पढ़ा था, ये उस तरीके से है। ठीक है, तो ये जो इक्वेशंस हैं ये आपकी वहीं चॉपर से आई है, वरना आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। ये आपका क्या है, ये मैंने दिखा रखी है वेवफॉर्म्स। तो ये आपका क्या है, इनपुट वोल्टेज है VS, ये आप स्विचिंग करा रहे हैं, ये आपकी गेट पल्सेस हैं आप जो IGBT को दे रहे हैं। तो जब जब आपकी गेट पल्स आ रही है तो आपका IGBT ऑन है, और जब नहीं आ रही तो आपका IGBT क्या है, ऑफ है। तो जब आपका दोस्तों IGBT ऑन रहेगा तो क्या होगा, आप इस सर्किट में देखिए, जब ये ऑन रहेगा तो ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। अगर मैं मान लूँ कि इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है अपना इंटरनल, तो करंट आपका इस तरीके से फ्लो करेगा। ठीक है, करंट आपका इस तरीके से फ्लो करेगा। तो अब इस केस में क्या होगा, आपका जो इंडक्टर है वो चार्ज होगा। जब इंडक्टर चार्ज होगा तो उसका करंट जो है बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए, अब ये बिल्कुल सेम चीज़ मैंने दिखा रखी है, आपका इंडक्टर का जो करंट है वो इंक्रीज कर रहा है। तो ये स्टेडी स्टेट की वेवफॉर्म है, इसलिए कुछ आई मिनिमम वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है, जैसे मैंने आपको दिखाया था अपने पिछले कोर्सेज में दिखाया था, बिल्कुल सेम चीज़ है। ठीक है, तो आई मिनिमम से लेके आई मैक्सिमम तक ही जाएगा, और जो इनका डिफरेंस रहेगा आई मिनिमम और आई मैक्सिमम का, वो ΔIL रहेगा जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, और इनकी जो एवरेज जो करंट की जो वैल्यू रहेगी, ये जो मैंने दिखा रखी है I0, ये क्या रहेगी, आई मिनिमम और आई मैक्सिमम का अगर मैं एवरेज निकाल दूँ तो ये वही रहेगी। ठीक है, ये चीज़ सब चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी। ठीक है, तो यहाँ से आप एक चीज़ और निकाल सकते हैं, आप आई मैक्स और आई मिन की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, आप इस तरीके से इसमें निकाल सकते हैं कि जो आपका ΔIL है, अगर ये आपका I0 है जैसे कि, तो ΔIL तो उसका अगर मैं हाफ कर दूं तो ऊपर और नीचे दोनों बराबर रहेगा। तो अगर मैं I0 प्लस ΔIL बाई 2 कर दूं तो मुझे IMAX मिल जाएगा, और अगर मैं इसमें घटा दूंगा तो ये आपको आई मिनिमम मिल जाएगा। तो ईजी है ये, आपको समझ में आ रहा होगा वेवफॉर्म से ही कि आपको ये कैसे ये मिल पा रहा है कि ये आपका IMAX है। तो आप I0 प्लस इतना इतना जो पार्ट है आपका, इतना पार्ट अगर आप ऐड कर देंगे तो ये आपको IMAX मिल जाएगा। तो ये आपका इतना पार्ट क्या था, या ΔIL बाई 2 है। फिर हम बात करते हैं मेन चीज़ की। तो मैंने आपको बताया, जब आपका स्विच ऑन रहेगा तो उस टाइम पे आपका डायोड ऑफ रहेगा,
और उस केस में क्या हो रहा है आपका, अगर मैं वोल्टेज निकालूं, अगर मैं केवीएल लगाऊं तो 0 प्लस वीएल प्लस वी नॉट, इस दोनों के अक्रॉस वी नॉट वोल्टेज है, प्लस वीएल प्लस वी नॉट इज इक्वल टू वीएस। ठीक है दोस्तों, तो यहां देखिए अब आप, तो यहां से मैंने इंडक्टर का वोल्टेज निकाल लिया वीएल इज इक्वल टू वीएस माइनस वी नॉट, तो वही मैंने दिखा रखा है यहां पे इंडक्टर का वीएस माइनस वी नॉट जब तक आपका ऑन स्टेज में है ये। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, इंडक्टर का मैंने लग दिया ये एल डी बाई डी टी रख दिया इसको, और इसको वी एस माइनस वी नॉट कर दिया, इसको मैंने थोड़ा इस तरीके से लिख लिया। फिर मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ, तो करंट को मैं कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करूंगा आप जान पा रहे हैं, यहाँ से आई मिनिमम से लेकर आई मैक्सिमम तक, तो मैंने आई मिनिमम से लेकर आई मैक्सिमम तक उसको इंटीग्रेट किया। और टाइम को मैं कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करूंगा, जीरो टू टी टी ऑन, सॉरी जीरो टू आपका जीरो टू टी ऑन तक जा रहा है। ठीक है, तो मैंने सॉल्व किए तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपका आएगा आई मैक्स माइनस आई मिनिमम, तो आई मैक्स माइनस आई मिनिमम क्या है मेरा डेल्टा आई एल, तो मैंने यहाँ पे वो डायरेक्टली लिख लिया है, और वी एस माइनस वी नॉट इंटू टी ऑन, और एल को मैं धर ले गया नीचे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका ये बन गया इस तरीके से। फिर आपका जो टी ऑन होता है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा टी, ये आप जानते ही हैं, और वी नॉट आपका क्या है अल्फा वी एस, ये भी आप पढ़ चुके हैं स्टेप डाउन चॉपर में, वरना आपको मैं इसका जो डेरिवेशन है वो मैं अभी आपको दिखा दूंगा दोबारा से आगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी डेल्टा आई एल की जो इक्वेशन है ये आपकी निकल के आ गई है। तो अगर आप उसको याद रख पाएं तो आप याद रख सकते हैं, मैं तो बल्कि आपसे ये कहूंगा कि जितनी भी मैं आपको कन्वर्टर की इक्वेशन कराऊंगा, पूरे बूस्ट बक और जितना भी मैं पढ़ाऊंगा, आप एक भी इक्वेशन आपको याद नहीं रखनी है आप, क्योंकि ये बहुत इजी इक्वेशन है, आप तुरंत निकाल सकते हैं वहां पे। ठीक है, क्योंकि मैंने भी गेट की अगर मैं बात करूँ तो मैंने एक भी इक्वेशन याद नहीं करी थी, खाली इतना याद किया था कि पी एन इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर, इतना याद रखा था बस मैंने, और कुछ भी मैंने इसमें याद नहीं करा था, सारी मैंने क्वेश्चन खुद ड्राइव करी थी, और कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होता है फिर उसमें। तो मैं भी आपसे ये चाहूंगा कि आप इतना प्रैक्टिस कर लें कि आप खुद डेरिवेशन करके क्वेश्चन निकाल दें ना, कहाँ तक इसको याद करते रहेंगे। तो ये तो हो गया आपका इसका केस। ठीक है, अब जब क्या होगा, जब आपका ऑफ होगा, ऑन का मैंने आपको बता दिया, अब ऑफ होगा तो क्या होगा, ऑफ के टाइम पे आपका ये आपका ऑफ हो जाएगा, तो इंडक्टर हो गया आपका चार्ज, तो इंडक्टर की जो एनर्जी स्टोर्ड हो गई उसको रिलीज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका प्लस हुआ, यहाँ पे नेगेटिव हुआ, और आपका इंडक्टर की एनर्जी इस तरीके से फ्रॉम फ्री व्हीलिंग डायोड इस तरीके से रिलीज हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो वही यहाँ पर दिखा रखा है। तो इस केस में अगर मैं केवीएल लगाऊं तो वी एल प्लस वी नॉट इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि अभी ये कनेक्ट कर रहा है, तो वी एल प्लस वी नॉट इज इक्वल टू जीरो, तो वी एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस वी नॉट। ये देखिए आप, मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ आपका एवरेज वोल्टेज जो मैंने यहाँ पर डायरेक्टली लिख दिया था। ठीक है, अब मैं इसको निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए, आपको क्या पता है, आपको ये पता है कि टी ऑन के टाइम पे आपका क्या है इंडक्टर का वोल्टेज वी एस माइनस वी नॉट, और टी ऑफ के टाइम पे क्या है आपका माइनस वी नॉट। तो आपको पता है कि एवरेज वोल्टेज ऑफ इंडक्टर वो जीरो रहता है, और एवरेज करंट ऑफ कैपेसिटर वो जीरो रहता है। तो यहाँ पे मैं इंडक्टर की बात कर रहा हूँ, तो एवरेज वोल्टेज उसका जीरो है, तो वी एस माइनस वी नॉट इंटू टी ऑन। ठीक है, क्योंकि ये मेरे को टी ऑन के टाइम पर मिल रहा था माइनस, क्योंकि माइनस आ रहा है यहाँ पे, और ये आपको टी ऑफ के टाइम पर मिल रहा था, इसलिए आपका ये जीरो के बराबर हो गया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, उसको मैंने जब सॉल्व किया और मैंने इसकी वैल्यू ज़रा रखी, तो मेरे को ये डायरेक्टली आपको ये इक्वेशन मिल गई। तो यहाँ से आपको मिल पा रहा है कि वी नॉट इज इक्वल टू क्या है अल्फा वी एस है, और जो आपका अल्फा है ड्यूटी साइकिल वो 0 to 1 के बीच में लाई करता है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं वोल्टेज बक। ये वोल्टेज को क्या कर रहा है, बक कर रहा है, घटा रहा है। अगर मैं पावर बैलेंस लगाऊं, अगर मैं मान लूँ कि लॉसलेस कन्वर्जन है, स्विच के अक्रॉस कोई भी लॉसेस वगैरह नहीं हो रहे हैं, तो पी इन इज इक्वल टू पी आउट अगर मैं लगाऊं, तो आपका वी एस इंटू आई एस इज इक्वल टू वी नॉट इंटू आई नॉट होगा। ठीक है, वी नॉट की मैंने वैल्यू रखी ये, तो मुझे आई नॉट की क्या वैल्यू निकल के आई मेरी ये, तो अल्फा की वैल्यू मेरी फिर से क्या है 0 to 1 के बीच में है, तो मेरा आई नॉट क्या होगा, ज़्यादा होगा आई एस से, इसलिए मेरा ये क्या है करंट बूस्ट है। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि इसको हम करंट बूस्ट भी बोलते हैं। अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, अब मैं बात कर रहा हूँ कैपेसिटर की। ठीक है, अब इसमें देखिए सर्किट में आपका जो आई एल है वो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, आई सी और आई नॉट। ठीक है, तो अब क्या होगा, जब ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो यहां से आप देखिए कि आईसी की वैल्यू क्या हुई आपकी आई एल माइनस आई नॉट। तो जब आप आईसी की वैल्यू जो वेवफॉर्म में प्लॉट करना चाहेंगे तो कैसे बनेगी, यहां देखिए आप आईसी की वैल्यू क्या है आई एल माइनस आई नॉट, तो ये आपकी आई एल की वेवफॉर्म थी, ये आपका आई नॉट यहाँ पर था। तो अगर आप जब इसमें से आई नॉट माइनस करेंगे तो ये वाला जो आई नॉट का जो पार्ट है ये आपका जीरो पे आ जाएगा, जब उसको आप इसमें से आप आई एल की वेवफॉर्म में से आई नॉट माइनस करेंगे, तो ये जो पार्ट है आपका आई नॉट का जो एवरेज पार्ट है ये आपका जीरो पे आ जाएगा। ठीक है, तो वेवफॉर्म कुछ इस तरीके से नहीं बनेगी, वो सेम वेवफॉर्म बनेगी, बस आपको जो एवरेज यहाँ पे था वो अब जीरो पे आ जाएगा। ठीक
ठीक है, और आपका आईसी एवरेज क्या हो जाएगा, इस तरीके से जीरो हो जाएगा, क्योंकि आपका जो एवरेज है वो जीरो पर लाई कर रहा है यहाँ पे, देख पा रहे हैं हम, ठीक है, ये जो आपका एवरेज है ये जीरो पे आ रहा है यहाँ पे, और आपका जो ये डिफरेंस रहेगा डेल्टा आई एल और ये भी सब सबको सेम रहेगा आपका, यहाँ पे भी आपका डेल्टा आई सी और डेल्टा आई एल दोनों बराबर रहेंगे, क्योंकि मैंने बस क्या किया है, क्या किया है, कॉन्स्टेंट वैल्यू को माइनस कर दिया इसमें से। और अब मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि मुझे कैपेसिटर का जो वोल्टेज है उसको मैं प्लॉट करना चाह रहा हूँ। तो आप जानते हैं वी सी इक्वल टू क्या होता है, वी सी की वैल्यू क्या होती है, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, ठीक है, 1/C इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी रहता है। तो जब आप एक रैम्प को अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, पैराबोलिक मिलेगा, ठीक है, तो आपको पैराबोलिक मिल रहा है, हालांकि आपको साइनसोइडल लग रहा है, तो उसके लिए माफ़ करिएगा, मेरी थोड़ी ड्राइंग इतनी परफेक्ट नहीं है, ये पैराबोलिक है, ठीक है, आप इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो आपको पैराबोलिक मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको पैराबोलिक सिग्नल मिल गया, तो यहाँ पे आपको क्या मिला, यहाँ पे भी आपका ये क्या है, वी नॉट और वी सी आपका बराबर था, यहाँ पे आपने देखा था सर्किट में आपका वी नॉट और वी सी बराबर है, तो आपका डेल्टा वी सी होगा वही आपका जो रिपल होगा वो डेल्टा वी नॉट में भी रहेगा, ठीक है, दोनों बराबर हैं, और आपका जो डेल्टा आई एल और डेल्टा आई सी वो दोनों बराबर हैं, ठीक है, तो आपका डेल्टा वी सी और आपका डेल्टा वी नॉट दोनों बराबर हैं, और आपको पैराबोलिक सिग्नल मिल गया। अब मैंने क्या करा, यहाँ देखिए, अब मैंने डेल्टा क्यू निकाला, मैंने चेंज इन चार्ज निकाला, जो मेरा चार्ज, जिस चार्ज की वजह से, जो मेरा चार्ज है उसकी वजह से मेरे को डेल्टा वी सी मिल रहा है, तो मैं अब डेल्टा वी सी की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इतने पार्ट में आपको या तो आप इतने और इतने पार्ट को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, या फिर आप इतने पार्ट का ले लीजिए, तो इतने पार्ट में आपका चेंज आ रहा है, ठीक है, डेल्टा क्यू का ये वाला जो पार्ट है, या फिर आप इन दोनों पार्ट को ज्वाइन कर लीजिए, मैं इतने पार्ट को ले रहा हूँ, ठीक है। तो इतने पार्ट में क्या हो रहा है आपका, ये जो आपका डेल्टा वी सी का चेंज आ रहा है, उतने पार्ट में आपका कैपेसिटर क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है, एक तरीके से देखा जाए तो आपका आई सी पॉजिटिव है, जब आई सी पॉजिटिव है तो आपका जो करंट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है, जब आई सी नेगेटिव था तो उस टाइम पर आपका कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा था। तो मैं खाली चार्जिंग की बात कर रहा हूँ, अगर आप डिस्चार्जिंग की बात लेना चाहते हो, ये दोनों पार्ट जो डिस्चार्जिंग वाले हैं, ठीक है, मैं खाली चार्जिंग वाला टाइम ले रहा हूँ। तो इतने पर मैं डेल्टा क्यू निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो डेल्टा क्यू मेरा क्या होगा, सी इंटू डेल्टा वी सी, ठीक है, तो यहाँ से ये मेरा जो इतना पार्ट है वो क्या है, मेरा टी बाई टू, ठीक है, मैं इसका इंटीग्रेट करूंगा। आप जानते हैं क्यू इज इक्वल टू आई डी टी होता है, इंटीग्रेशन मैंने किया, ये आपका ट्रायंगल बनना है एक तरीके का, अप्रॉक्सीमेट टू ट्रायंगल, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस आपका टी बाई टू, हाइट आपकी कितनी आ रही है, डेल्टा आई एल बाई टू, ये पूरा डेल्टा आई एल है, आई एल है, तो इतना पार्ट क्या हुआ, डेल्टा आई एल बाई टू, ठीक है। तो इससे आपने वैल्यू निकाल ली, आपने टी को रख दिया 1/F और इससे आपने वैल्यू निकाल ली, फिर आपने डेल्टा आई एल की वैल्यू पीछे से निकाल के रख दी, आपको ये वैल्यू मिल गई, ठीक है दोस्तों। तो आपको यहाँ पे मालूम पड़ रहा है कि अगर आप हायर फ्रीक्वेंसी पे काम करेंगे तो आपका जो रिपल है, जो आपका रिपल वोल्टेज है वो आपका घट जाएगा, इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग जितना ज़्यादा हायर फ्रीक्वेंसी पे काम कर सके उतना अच्छा रहेगा हमारे लिए, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका पैराबोलिक है और बस यही था इसमें, आपको कोई भी डाउट हो इन सारी वेवफॉर्म्स में तो आप प्लीज़ मुझसे पूछ लीजिएगा, इसको बनाना इतना डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको दिमाग में रखना है एक पॉइंट जो मैंने आपको बताया। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो आप प्लीज़ इसको रेट रिव्यू एंड रिकमेंड जरूर करिएगा, नीचे के रिकमेंड का बार है, ऊपर एक फॉलो टैब भी दिया हुआ है, इसको प्रेस करके मुझे फॉलो कर सकते हैं, नीचे एक लिंक दे रखा है, इस लिंक का इस्तेमाल करके भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अंत में मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ, आपने मेरा लेक्चर सुना, अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्रिटिकल इंडक्टेंस एंड क्रिटिकल कैपेसिटेंस की, ठीक है, वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी बात करेंगे। अब मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।